एवरीवन, वेलकम इन लोक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है। मैटर, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी चीज अगर उसका मास है और वो अगर स्पेस कवर करती है तो आप उसको किसके अंदर कंसिडर करते हैं? मैटर के अंदर क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं। ओके, जो मैटर जो होता है उसको प्योरिटी के बेस के ऊपर आप दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा होता है इम्प्योर सब्सटेंसेस। क्लियर? इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ प्योर सब्सटेंसेस के बारे में ही पढ़ेंगे, और क्योंकि हमें क्या करना है, इस चैप्टर में एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है, और एटम और मॉलिक्यूल्स किसके अंदर आते हैं? प्योर सब्सटेंसेस के अंदर आते हैं। जो इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम मिक्सचर कहते हैं, लेकिन इस मिक्सचर की स्टडी या इम्प्योर सब्सटेंसेस की स्टडी हम इस चैप्टर में नहीं करेंगे। क्लियर? अब जो प्योर सब्सटेंसेस होता है उसको हम फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट्स वो होते हैं जो क्या होते हैं, एक ही तरह के, एक ही एटम से मिलकर बन सकते हैं या फिर दो सिमिलर एटम से मिलकर बनते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट कहते हैं। यदि एलिमेंट्स जो होता है वो एक ही एटम से मिलकर बनता है तो उसको हम बोलते हैं एटम, एक ही एटम से मिलकर बनता है। इसका एग्जांपल है नियोन, मतलब जितनी भी मतलब नोबल गैसेस जो होती हैं वो एटम के अंदर कंसीडर की जाती हैं, क्योंकि ये जो गैसेस जो होती हैं वो सिर्फ एटम फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती हैं। इनको किसी से रिएक्शन करके कोई कंपाउंड बना के मतलब बनाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इनका आउटर ऑर्बिट जो होता है ना, आउटर ऑर्बिट जो होता है वो क्या होता है, एकदम कंप्लीट होता है। तो इनको किसी से इलेक्ट्रॉन लेने और देके किसी के साथ बॉन्ड बनाने की, बॉन्ड से किसी दूसरे एटम से जुड़ने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर? अब कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें क्या होता है कि यदि दो एटम, दो सिमिलर एटम यदि एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, उन एलिमेंट को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। ओके, तो आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मतलब ये वाले जो मॉलिक्यूल्स जो हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि मतलब दोनों जो एटम्स जो होंगे वो सेम होंगे। जैसे ऑक्सीजन का क्या होगा, मॉलिक्यूल्स जो होगा उसको आप किसमें कंसीडर करेंगे, मतलब एलिमेंट के अंदर कंसीडर करेंगे। क्लियर? इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल मतलब ये अगर ये जो मॉलिक्यूल्स जो है उसके अंदर क्या होंगे, दो सिमिलर एटम ही क्या होंगे, वो जुड़े हुए रहेंगे। क्लियर? अब हम देखते हैं कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं, तो कंपाउंड के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर दो या दो से ज्यादा एटम्स जो होते हैं वो मतलब एक दूसरे से क्या करते हैं, जुड़ते हैं। ओके, पहली चीज। दूसरा, कंपाउंड की दूसरी चीज जो होती है कि जो दो या दो से ज्यादा एटम जब एक दूसरे से जुड़ते हैं ना, तो उनका जो रेशियो जो होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। और फिक्स्ड होने के बाद जो कंपाउंड बनाते हैं, जो मतलब बनता है कंपाउंड, मतलब जो बनेगा उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। तो इसमें इसको हम फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, मॉलिक्यूल्स और आयंस के अंदर। क्लियर? तो अब क्या होता है कि आप इसमें देखेंगे कि जो H2O है, इसके अंदर जो H2O फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पे क्या होती है, दो हाइड्रोजन। तो ये क्या है, दो येलो कलर के आपको क्या दिख रहे हैं, हाइड्रोजन एटम दिख रहे हैं। और ये एक क्या है, इसके अंदर ऑक्सीजन। तो ये रेड कलर का जो आपको दिख रहा है ना, ये ऑक्सीजन का एटम है। क्लियर? तो इसके अंदर क्या होता है कि कंपाउंड के अंदर क्या होता है कि पहली चीज कि इसके अंदर क्या होगा कि दो या दो से ज्यादा एटम होंगे, पहली चीज। और दो मतलब, और उन दोनों एटम का जो रेशियो जो होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। मतलब हमेशा जब वाटर का जो मॉलिक्यूल्स बनेगा तो उसके अंदर हमेशा क्या होगी, दो हाइड्रोजन होगी और एक ऑक्सीजन होगी। तो उसको हम क्या करेंगे, कंपाउंड के अंदर कंसीडर करेंगे। क्लियर? अब इसको कंपाउंड को अंदर आपने इसको वापस डिवाइड किया है आयंस के अंदर। तो आयंस का एग्जांपल है NaCl। तो NaCl में क्या है कि Na, एक सोडियम और एक क्लोरीन का एटम मिलके क्या होता है, मतलब क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो मतलब एक सोडियम और एक क्लोरीन ही मिलकर क्या बनाएंगे, मतलब NaCl का एक मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो इसमें क्या हो गया कि आपने दो एटम लिए हैं, सोडियम और क्लोरीन, लेकिन इनका जो रेशियो है वो 1:1 का है। क्लियर? तो मतलब यही है कि और जब आप इनको ब्रेक करते हैं ना, तो हमेशा क्या बनेगा, सोडियम प्लस बनता है और क्लोराइड माइनस बनता है। तो हमेशा ब्रेक करने के ऊपर ये जो कंपाउंड जो होता है वो क्या बना लेते हैं, आयंस फॉर्म बना लेते हैं। तो इसको, ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर? तो आपको यहाँ पे सिर्फ ये बेसिक बताया गया है कि जो मैटर्स जो होता है उसका क्लासिफाई करके हमने क्या सीखा है यहाँ पे कि एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। क्लियर?
अब यहाँ पे यही बताया गया है कि एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो आप ये देख लेंगे कि ये जो एटम है वो एक हीलियम है। दो अगर सिमिलर तरह के मतलब एटम यदि मिलते हैं आपस में तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, और यदि दो डिफरेंट, दो या दो से ज्यादा एटम जो होते हैं एक डेफिनेट रेशियो के अंदर अगर कंबाइन होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड के अंदर कंसीडर करते हैं। तो इसके अंदर ही यही चीज है कि मतलब ये चीज मेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कंसेप्ट करना बहुत जरूरी है कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। तो कंपाउंड के अंदर क्या होता है कि जो एटम्स का जो रेशियो जो होगा वो हमेशा फिक्स होगा। जैसे ये किसका मॉलिक्यूल है, वाटर का, तो जो वाटर जो बनेगा उसके अंदर हमेशा दो हाइड्रोजन होगी, ये दो हाइड्रोजन होगी और एक ऑक्सीजन होगी, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। क्लियर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देख लेते हैं हमारा चैप्टर है जो मेन है कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो ये बता देते हैं कि एटम्स इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जो मेटल्स जो होता है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है और उसको बोलते हैं हम एटम्स, ये एटम्स। ठीक है, एटम्स स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट दैट इज स्टिल दैट एलिमेंट। मतलब जो जो एटम्स जो होता है वो किसी भी एलिमेंट का क्या होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है। ओके, और उसको हम इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो वो होते हैं एटम्स। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होंगे कि दो या दो से ज्यादा एटम्स मतलब क्या होते हैं, अगर ज्वाइंट होते हैं और वो एक ही यूनिट की जैसे काम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। क्लियर, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में बात करी है, तो मतलब ये सिंगल एक ऑक्सीजन का एटम है और ये क्या है, एक हाइड्रोजन का एटम है। ये सिर्फ मतलब एक ही एटम के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन जब ये दोनों एटम्स जो होते हैं वो एक मतलब क्या हुए, एक डेफिनेट रेशियो के अंदर मिक्स हुए, कंबाइंड हुए, तो उन्होंने क्या बना लिया, एक वाटर का मॉलिक्यूल्स बना लिया। आप देख रहे हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या है, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। क्लियर, तो आपको यहाँ पे एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में मतलब ये थोड़ा जो कंसेप्ट है क्लियर जरूर होगा। ओके, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि एटम्स जो होते हैं वो होते क्या हैं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, एटम के बारे में पढ़ना है। तो आपको एटम के जो कंसेप्ट है, एटम होता क्या है, वो सबसे पहले उसके बारे में आपको एकदम जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। कि तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। जो कोई मतलब जो एटम्स जो होते हैं वो किसी भी मैटर की क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जो क्या करती है उस एलिमेंट की क्या करती है, प्रॉपर्टी को क्या करती है, शो करती है। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया है, हाइड्रोजन का एटम लिया है, मतलब एलिमेंट लिया है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन के जो एटम्स जो होंगे वो किसकी प्रॉपर्टी को शो करेंगे, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी को शो करेंगे। क्लियर, दूसरी चीज है कि एटम कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो एटम्स जो होते हैं वो तीन तरह के पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। ओके, तो वो पार्टिकल्स कौन से होते हैं, प्रोटोन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ओके, अब जो न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन्स के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन्स के ऊपर क्या होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है। तो मतलब न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोटोन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। क्लियर, फोर्थ है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन सराउंड द न्यूक्लियस एज अ क्लाउड, इलेक्ट्रॉन शेल आर डिजाइन रीजन ऑफ द क्लाउड। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, उसके चारों तरफ कवर करके रखते हैं। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एटम की स्ट्रक्चर्स। ओके, ये एटम है, तो हमने मैंने जैसे कि बताया कि जो एटम जो होता है उसका जो सेंट्रल पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। ओके, जो न्यूक्लियस जो होता है वो किस किस से मिलकर बनता है, प्रोटोन न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है, और इसके चारों तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एज अ क्लाउड जो होते हैं, इसके चारों तरफ इसको कवर करके रखते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करते हैं, ये सर्कुलर पाथ, इस जो ये जो सर्कुलर पाथ होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन शेल। तो ये पूरी की पूरी क्या हो गई है, एटम की स्ट्रक्चर्स बता गई कि एटम्स होता क्या है। एटम्स जो होते हैं वो किससे मिलकर बनता है, मेन प्रोटोन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। क्लियर, अब यहाँ पे आपको क्या समझाया गया है कि जैसे मैंने आपको ये एटम समझाया था, तो ये यहाँ पे आपने ऑक्सीजन के एटम का सपोर्ट यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, तो आप देखेंगे कि जो ऑक्सीजन का जो एटोमिक नंबर होता है 8,
तो उसके अंदर जो प्रोटॉन्स का जो नंबर होगा वो भी कितना होगा, 8 होगा, और जो मतलब न्यूट्रॉन मतलब प्रोटॉन भी उसमें 8 होंगे, न्यूट्रॉन भी उसमें 8 होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स भी सॉरी न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो भी कितने होते हैं, 8 होते हैं। क्लियर। अब ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो हमेशा सेंटर के अंदर होते हैं। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है, जो प्रोटॉन्स जो होते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उसके ऊपर मतलब कोई चार्ज नहीं होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, सर्कुलर जो पाथ होता है उसके अंदर क्या करते हैं, ये मूव करते हैं। तो ये मतलब ठीक है, और ये जो जो पाथ जो सर्कुलर पाथ होता है उसको हम इलेक्ट्रॉन शेल भी कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, इसलिए ये क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ भी क्या रहते हैं, सराउंडेड रहते हैं एज ए क्लाउड के रूप में। क्लियर। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे किसके मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल लिया गया है, वॉटर का। तो हम जानते हैं कि जो वॉटर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम से जो होता है वो मतलब बॉन्ड बना के क्या होते हैं, ये दोनों एटम एक दूसरे से बॉन्ड बना के क्या बनाते हैं, वाटर का एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और इस मॉलिक्यूल्स में आप देखेंगे कि इनका जो रेशियो जो होता है वो क्या होता है, हमेशा फिक्स्ड होता है। ओके, तो मतलब हमेशा जब भी वाटर का एक मॉलिक्यूल्स बनेगा तो उसके अंदर 2:1 का जो होगा वो रेशियो होगा, मतलब कहने का मतलब हमेशा दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जुड़ के क्या बनाएगी, वाटर का एक मॉलिक्यूल्स बनाएगी। तो कहने का मतलब होता है कि यदि आपको एटम के बारे में सोचना है तो एटम के अंदर से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होंगे, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स जो होगा उसके अंदर क्या होंगे कि दो या दो से ज्यादा एटम भी जो होते हैं वो एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं, और कंबाइंड होके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो मुझे अब मुझे आपको अगर इस वीडियो के इस पार्ट के अंदर एटम और मॉलिक्यूल्स के कंसेप्ट में कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लुक एंड लर्न क्लासेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।